मालिक हैं, जो मालिक कहते हैं वही दोहराती है सीबीआई। कोर्ट ने कहा सीबीआई स्वतंत्र नहीं है, उसे आजाद करने की जरूरत है। सीबीआई जांच में सरकार का हस्तक्षेप बेहद चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कोयला घोटाले पर चल रही सुनवाई पर की। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार ए सूर्य प्रकाश हैं, राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत और चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख। हम इन सबसे बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि बीजेपी इस मामले में अब क्या कह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि अश्वनी कुमार को अविलंब बर्खास्त किया जाए, और दूसरा विषय ये कि इस पूरे घटनाक्रम का लाभ किसको था, ये फेरबदल, ये परिवर्तन किसके लिए किया जाता है। ये सब कुछ देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए किया जा रहा था, क्योंकि ये कोयले के खदानों का आवंटन उनके अपने हस्ताक्षर से हुआ था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफा के मांग पर अडिग है, और हम अविलंब देश के नैतिक अधिकार आधार पर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अविलंब उच्चतम न्यायालय के टिप्पणी के आलोक में इस्तीफा मांगते हैं। लॉ मिनिस्टर और इवन अटॉर्नी जनरल सब लोग इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उनको तुरंत अपना पद से हटाना चाहिए, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी पद में रहने के लिए नैतिक अधिकार नहीं है। कारण क्या है, प्रधानमंत्री का कार्यालय का लोग सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप किया, चेंजेस सजेस्ट किया और चेंजेस करवाया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम कानून मंत्री अश्विनी कुमार पर बड़ा फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, उनकी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद सरकार अटॉर्नी जनरल से बात करेगी और कानून मंत्री पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ है इस वक्त। मनीष, अटॉर्नी जनरल से बातचीत के बाद ये फैसला होगा? वीरेश पांडे का रुख करेंगे। वीरेश, अब क्या खबर मिल रही है, अश्विनी कुमार पर गाज गिर सकती है? ये तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि अश्विनी कुमार पर शाम तक बड़ा फैसला हो सकता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको यह भी बताया था किस तरह सोनिया गांधी अब इस बात से नाराज हैं कि दो दागी मंत्रियों की वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है, और सवाल यह भी होगा कि इस पूरे मामले में अगर अश्विनी कुमार पर फैसला होता है तो क्या पवन कुमार बंसल पर भी उसकी गाज गिरेगी? कुछ बड़ा फैसला शाम तक संभव है। सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। सुधांशु जी, सुबह तक तो आपके नेताओं के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, जो निराशाजनक नतीजे आए थे कर्नाटक में, लेकिन दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दिया कुछ, बहुत कुछ कहने के लिए। जिस निर्लज्जता से सरकार सारी चीजों में काम कर रही है, उसको देखते हुए एक शेर गालिब का ध्यान आता है, थोड़ा सा मैंने उसको संशोधित करा है, हमको उनसे हया की है उम्मीद जो नहीं जानते हया क्या है। आप सारा आचरण देखिए, और मैं थोड़ा राजनीति से हटके इसमें कहना चाहता हूं, सरकार के इस बेहया आचरण से पूरी राजनीति शर्मसार हो रही है। जनता में आज वैसे ही राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति एक अनादर का भाव है, एक अविश्वास का भाव है, सारी व्यवस्था के प्रति है, और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उसका प्रभाव जनता पे क्या पड़ रहा है, कोई सोच रहा है क्या? अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट से उभर कर सरकार को देश की चिंता करनी चाहिए, जनता की चिंता करनी चाहिए। और आज की जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी के बाद कुछ बचता है क्या? सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद मैंने कहा ना कि जरा भी हया हो, जरा भी शर्मसार कोई व्यक्ति हो तो वो जो है फौरन छोड़ दे और कहे कि हाँ गलती हुई है, अब व्यवस्था कोई और संभाले। जी, क्या हो रहा है पुष्पे जी, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों पर अगर उंगली उठती है, अगर उनको फटकार लगाई जाती है, तो क्या ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना है? देखिए, मुझे लगता है कि आज की घटना के लिए प्रतीक्षा करने की किसी को जरूरत नहीं थी। इसके पहले जब 2G घोटाले की बात खुल के आई थी, तो तब भी प्रधानमंत्री कार्यालय में फाइल पर टिप्पणी थी कि मुझे इस पूरे प्रसंग से एक हाथ के फासले पर रखा जाए, और फिर फाइलों की जो गति थी प्रधानमंत्री कार्यालय से आने जाने की, और राजा साहब जो बार बार कह चुके हैं क्यों उनको जेपी के सामने बयान देने के लिए नहीं आने दिया गया, मुझे लगता है कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की जो छवि थी वो कितनी मिथकीय थी वो आज बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि छवि और यथार्थ का ही अंतर नहीं है, कि शायद यथार्थ में भी कुछ गड़बड़ है, कि जिस व्यक्ति ने
अपनी रीढ़ की हड्डी का लचीलापन इतना रखा हो कि कभी वो कोलिशन धर्म निभा रहा हो, कभी वो पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतात हो, कभी सहयोगियों की रक्षा कर रहा हो, और फिर ये कहे मेरी नाक तले सब कुछ हो रहा था मगर मैं तो सबसे बेखबर था। तो मुझे लगता है कि जो टिप्पणियां आज सर्वोच्च न्यायालय ने की हैं वो सिर्फ सीबीआई के लिए दुखदायक नहीं है, वो हमारे अब कुछ देर पहले जब कर्नाटक की जीत का आप जिक्र कर रही थी, सलमान खुर्शीद बड़े चौड़े भाव से कह रहे थे होते हुए कि देखिए जितना भ्रष्टाचार खतरनाक है जनतंत्र के लिए उतना ही संवैधानिक सत्ताओं को कमजोर करना। एक चीज कह दूं मैं जो प्रधानमंत्री जी के आचरण के बारे में कहना चाहता हूं, देखिए 2G घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने उन्होंने कहा था मैं जो है पीएसी के सामने जाने को तैयार होता हूं, और जेपीसी के सामने आने वाली बात हुई तो किस, वही मैंने कहा किस बेशर्मी से चाको जी ने सारी चीज को कैसे रोका, ये शर्मनाक बात है। उसी के साथ साथ दीजिए किसी भी व्यक्ति को ये हक है कि वो अपने बात रख सके, 2G घोटाले में जेपीसी जो है जांच कर रही है और राजा उनको उनको जेपीसी के सामने आने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आके कहते कि प्रधानमंत्री इसमें खुद इन्वॉल्व थे। जब ये व्यवस्था चल रही हो, जब ये आचरण चल रहा हो तो उसके बारे में सबको चिंता करनी चाहिए, बहुत देश का मुझे मुझे लगता है इससे इसका इसका जो बड़ा पहलू है वो ज्यादा शर्मनाक है। सूर्यप्रकाश जी, क्या ये शर्मिंदगी भरा नहीं है कि जो बड़े संस्थान है सीबीआई की मैं बात करूं या फिर जो और विभाग थे एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए नजर आए हैं? पहले जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने पद छोड़ा ये कहते हुए कि ये सारा किया धराया सॉलिसिटर जनरल का था या अटॉर्नी जनरल का था। मुझे रुकना मुझे मुझे रुकना होगा, प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं पहले। जी आज कोर्ट ने सीबीआई को भी और सरकार के उन अफसरों को जिन्होंने स्टेटस रिपोर्ट देखी और उसमें बदलाव सजेस्ट किए और जिसमें सीबीआई ने बदलाव करे उन पर अपनी आपत्ति व्यक्त करी और बोला कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है। उन्होंने बोला कि सीबीआई ये विनीत नारायण वाले केस से लगातार कहा गया है कि सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो बिल्कुल उसको स्वतंत्र तरीके से करना होता है और सरकार का कोई भी अफसर खासकर ऐसा अफसर जो उसी मंत्रालय में हो, कोयला मंत्रालय में या प्रधानमंत्री के दफ्तर में जिसकी जांच हो रही है, वो उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को या सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को देख भी नहीं सकता और उसमें फेरबदल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब आगे से सीबीआई के अफसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो किसी भी बाहर के आदमी को रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, किसी मंत्री को नहीं दिखाएंगे, किसी सरकारी अफसर को नहीं दिखाएंगे और सरकारी वकीलों को भी नहीं दिखाएंगे, यहाँ तक कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो कानून मंत्रालय का सीबीआई के दफ्तर में बैठता है उसको भी स्टेटस रिपोर्ट नहीं दिखाई जाएगी। उसके बाद कोर्ट ने बोला है कि इस पर एसआईटी का गठन हो या ना हो वो अगली बार तय करेंगे। उन्होंने जो डीआईजी थे रविकांत जो इस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे जिनको सीबीआई से हटाकर सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भेज दिया था उनका आदेश दिया है कि उनको वापस सीबीआई में इस इन्वेस्टिगेशन में लाया जाए। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो सीबीआई में इन्वेस्टिगेट कर रहा है कोयला घोटाले का मामला उसका फेरबदल कोर्ट के परमिशन के बगैर नहीं किया जा सकता। उसके अलावा कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि क्या वो कोई कानून ला रही है कि नहीं ला रही सीबीआई को स्वतंत्र बनाने के लिए, क्योंकि ये आदेश विनीत नारायण के केस से लगातार दिया जा रहा है और ये कानून भी कहता है कि सीबीआई को सरकार से बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। और इसके बारे में अटॉर्नी जनरल को कहा गया है
कि वो इंस्ट्रक्शंस लेकर हलफनामा 3 जुलाई तक फाइल करवाएं और इस मुकदमे की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। कानून मंत्री के बारे में भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्राइमा फेसाए कोई अधिकार नहीं है। चलिए, तो जो बातें सामने आई, प्रशांत भूषण कोर्ट की बातें सामने रख रहे थे किस तरह से इस पूरे मामले में 3 जुलाई तक अब अटॉर्नी जनरल को एक हलफनामा दायर करना है, ये बताने के लिए कि सीबीआई की स्वायत्तता के लिए क्या कर रही है सरकार। राज बब्बर, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज साहब, सुबह का जश्न मुझे लगता है पूरा भी नहीं हुआ था कि ये खबर आ गई आप लोगों के लिए। राज साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गूंज रही है आपकी आवाज, सुनाई नहीं दे रहा, क्या है? जी, मैं ये पूछ रही थी कि सुबह का जश्न फीका पड़ गया सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद। चलिए, जो बड़ी खबर है इस वक्त आपको वो बता देते हैं, सीबीआई को आजाद करेगी सरकार कितने दिनों में, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हलफनामा मांगा है जो उसे 3 जुलाई तक दायर करना है। इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। तो सरकार क्या कर रही है सीबीआई की स्वायत्तता के लिए, सीबीआई को स्वतंत्र करने के लिए, क्योंकि विनीत नारायण केस के दौरान भी इसी तरह का डायरेक्टिव दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर है, इसी खबर पर हम वापस आएंगे, थोड़ा सा ब्रेक पहले लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सीबीआई की स्वतंत्रता के लिए, स्वायत्तता के लिए अटॉर्नी जनरल से कहा है कि वो हलफनामा दायर करें 3 जुलाई तक। सरकार क्या कर रही है इस बारे में जानकारी दें, 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणियां की हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर हमारे साथ हैं। राज साहब, कांग्रेस इस वक्त किस विचार पर आगे चल रही है, क्या मंत्रियों पर कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून मंत्री पर भी गाज गिरती हुई नजर आती है जब अटॉर्नी जनरल कोर्ट में कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, कानून मंत्री ने किया। लगता है मेरी आवाज तक नहीं पहुंच। जी, सुधांशु जी, देखिए, इसमें हर व्यक्ति जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसर उन पर टिप्पणी हुई है। अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, कानून मंत्री, एक वही शेर था ना कि वीराने गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है, हर सात उल्लू बैठे अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। आप ये जो रॉट है ये किस हद तक इस समय परकुलेट कर चुका है यहाँ की कांग्रेस की सरकार की व्यवस्था में, वो इसको देख के अंदाजा लगा दीजिए। किसी में भी एक सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन बचा ही नहीं है। हालांकि ये दोनों चीजें एक साथ चल रही थी, हम लोगों को कहीं ना कहीं जब से पिछले 3 महीने से कर्नाटक के चुनाव की खलबलाहट हुई थी और उसके बाद से ये केस भी साइड बाय साइड धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे, तो एक अंदाजा इस बात का लग रहा था कि कर्नाटक के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा किस तरह से कांग्रेस रिएक्ट करती है तमाम चीजों के ऊपर। और यकीन मानिए, जिस स्फूर्ति के साथ में उस दिन एग्जिट पोल के अपने नतीजे आए हैं और उसके बाद में फटाक से जिस तरह से रणनीति कांग्रेस की बदली है, मुझे लगता है कि एक तरफ मुझे कुछ ये भी अच्छा लगा कि चलिए हम लोग के मीडिया और इन सब चीजों के बीच में वी हैव कम ऑफ एज कि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्पीड में मीडिया की बातों को लेके उस पर निर्णय ले रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि चमड़ी वास्तव में बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, क्योंकि उसमें अपोलोजेटिक होना तो बहुत दूर की बात है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस के नाम पर जिस हद तक एरोगेंस के साथ में अब वो संवाद हो रहा है वो कहीं ना कहीं दुख देता है। और आज सवेरे मैंने इस बात को बोला था कि मुझे कर्नाटक की जनता के लिए थोड़ा सा दुख इस बात का होता है, बीजेपी ने जिस तरह से भ्रष्ट और खराब सरकार दी उसका उनको सजा देने के लिए कर्नाटक की सरकार जनता को पूरा हक था, उन्होंने दी सजा, लेकिन ऑप्शन में उसको क्या मिला? यूपीए की सरकार का जो प्रोविजनिटी जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था, वो कर्नाटक में जनता को ऑप्शन के तौर पे वो मिला। मैं आपसे ये भी पूछूंगी, क्या ये निराशाजनक होगा अगर शाम तक कोई फैसला नहीं लिया जाता अश्विनी कुमार पर या फिर इन अधिकारियों पर? मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा।
तो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद भी कानून मंत्री की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करेगी, यानी मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होनी है और 10 जुलाई तक सरकार पीएमओ सूत्रों के मुताबिक सरकार इंतजार करना चाहती है। आपको याद आ जाएंगे थोड़ी देर पहले यह भी खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि जो दागी मंत्री हैं उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय बराट्टा हमारे साथ हैं। संजय, यह हम मानकर चलते हैं कि जो सोनिया गांधी की राय होगी वो पीएमओ की राय होगी, लेकिन क्या यह मुद्दा ऐसा हो गया है जिसमें प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी अलग राय के हैं? जाहिर तौर पर दोनों अलग राय के हैं और हो सकता है ये भी एक चांस है कि क्या इस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है कि पार्टी ये चाहती है लेकिन प्रधानमंत्री, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक में तो ये सब लोग एक साथ ही बैठते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों से भी पता चला है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो अभी तक ऑब्जर्वेशन हैं, टिप्पणियाँ हैं, वर्डिक्ट फाइनल वर्डिक्ट जब तक नहीं आता है, 10 जुलाई को अगली हियरिंग है उस दिन भी पूरी होगी, उसके बाद भी डेट तारीख पे तारीख पड़ेगी और जब तक आखिरी फैसला नहीं आता उसके बाद वो अपने जो लॉ ऑफिसर है टॉप का उनसे उसकी लीगल एडवाइस लेगी, उसके बाद वो देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ कुछ अपील दायर की जा सकती है और उसके बाद ही कोई अश्विनी कुमार पर फैसला होगा। यानी ये मान के चलिए कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेशक डांट डपट ऑब्जर्वेशन के तौर पर पड़ी लेकिन 10 जुलाई तक का यूपीए सरकार को और प्रधानमंत्री को रिलीफ मिल गया है कि उससे पहले उन्हें अश्विनी कुमार पर फैसला नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, दबाव सोनिया गांधी की तरफ से जो बयान आया था वो जो सूत्र बता रहे हैं उसका जरूर रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर एक छोटे मोटे फेर बदल के जरिए मंत्रालय बदल दिए जाए, उस संभावना से अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर अश्विनी कुमार को हटा दिया जाए इस संभावना से पीएमओ के सोर्सेज अभी इनकार करते हैं। ये काफ़ी हद तक बात सही है क्योंकि देखिए सुजीता, जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आएगा जजमेंट भी उसमें भी टिप्पणी हो सकती है लेकिन लॉ मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा इसकी संभावना ना के बराबर है, इट इज नेक्स्ट टू नील। और एक बात आप बहुत साफ समझ लीजिए कि 5 तारीख की शाम को कर्नाटक के नतीजों का आइडिया लगने के बाद से कांग्रेस ने सीधा एग्रेसिव टोन अख्तियार किया था और उस टोन में बहुत सीधी बात यह थी कि हमारे मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तो ना तो अश्विनी कुमार इस्तीफा देने वाले हैं और ना चूंकि सीबीआई के डिसीजन या इम्प्लीकेशन तक आने तक कोई मॉरल प्रेशर जो है वो होने वाला है रेल मंत्री के ऊपर, ये बात भी कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के मन में या उनके इस बात को लेकर कहीं दूर दूर तक कोई दुविधा है। ये जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि सोनिया गांधी नाराज हैं, मुझे उन सूत्रों के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे लगता है नहीं है कि सोनिया गांधी अश्विनी कुमार से किसी भी तरीके से नाराज हो सकती हैं, क्योंकि ये उनके पार्टी के हित का मामला था। हाँ, अगर रेल मंत्री बंसल के ऊपर की टिप्पणी का मामला हो तो हो सकता है कि उन्होंने कोई बात बोली हो, लेकिन अश्विनी कुमार को लेकर सोनिया गांधी नाराज होंगी ये बात मुझे समझ में नहीं। 10 जुलाई का सहारा मिल गया, अगली सुनवाई तक का सहारा मिल गया। देखिए ऐसा है, ये सारी मैंने कहा कि ये सारा देख के इतना दुख होता है मुझे, ये कोर ग्रुप और कोर ग्रुप का झगड़ा चल रहा है। अश्विनी कुमार जी, पवन बंसल जी, एक जो कोर ग्रुप की जो लॉबी है ये उनके खेल चल रहा है और ये जो विश्वसनीय सूत्र जिसको कहा जाता है ना कि सोनिया जी ये चाहती हैं लेकिन वो चाहता है, राहुल गांधी भले हैं प्राइम मिनिस्टर खराब है, प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल नाराज है, ये ठीक है। ये दोहरी नीति और दोहरी चाल ये कांग्रेस की पुरानी है, चित्री मेरी पटरी मेरी अंटा मेरे बाप का। जी, हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी भी जुड़ गए हैं। जी, हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी भी जुड़ गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, कहा यह जा रहा है कि अब ऑपरेटिव पार्ट जो जजमेंट का होगा उसका इंतजार किया जा रहा है और बहुत कम चांसेस हैं कि जो तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं वो उस ऑपरेटिव पार्ट में हो। क्या एक और सहारा मिल जाएगा सरकार को बचने का? आप दोबारा सवाल कहिए जीजिए थोड़ा यहाँ। जी, मैंने ये कहा कि जो तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, स्ट्रिक्ट जो टिप्पणियां की हैं, उनमें से बहुत कम ऑपरेटिव पार्ट तक पहुंचेंगी ऐसा लगता है और इसी को सहारा बनाएगी सरकार। हेलो जी, लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जी जी कहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कह दिया है कि सरकार
सीबीआई की स्वायत्ता के लिए कोई कानून बनाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि सीबीआई का किस तरीके से जांच की जांच करनी चाहिए। तो एक प्रकार से तो साफ हो गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सीबीआई को जो आज तक स्वाधीन बनाने की बात चल रही थी इतने सालों से, वो अब हो जाएगा। दूसरा है कि तीन बातों पर सरकार फंसी हुई है। एक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दी हुई आदेशों का उल्लंघन किया, जो आदेश था कि सीबीआई के का जांच पर वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसको कोई बदल नहीं करेंगे, तो वो ये इसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दूसरा है कि उन्होंने झूठ बोला कि हमने कोई मंत्रियों ने अटॉर्नी जनरल ने कि हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई मीटिंग नहीं किया, कुछ सीबीआई से पूछा नहीं। वो बात भी गलत निकली, तो झूठ निकली, क्योंकि इन्होंने एफिडेविट में भी कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने। और इसी प्रकार से तीसरी बात कि उन्होंने जो जांच के लिए जो सबूत होते हैं या आधार होते हैं उसमें भी उन्होंने बदल की, ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है। तो तीन बातों में मंत्री और अटॉर्नी जनरल ने ये किया है, इसीलिए इनकी इस्तीफा देना अनिवार्य है। जी, कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज साहब, जब अटॉर्नी जनरल कोर्ट में कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कानून मंत्री के कहने पर हुआ, इसके बाद भी कांग्रेस को इंतजार करना पड़ेगा किसी कार्रवाई के लिए? देखिए, जो बात सामने आई है, जो अभी आपने सुना है और जो टिप्पणी जो है सम्माननीय कोर्ट के समक्ष की गई है, इस पे इसके पर डेफिनेटली जो है पार्टी और सरकार दोनों विचार कर रहे हैं, और जो भी इसका निर्णय होगा बहुत शीघ्र सामने आएगा। और ये बहुत जल्दी है कि अभी तो जो है कोर्ट से ये बातचीत हुई है, जो भी आप कह रहे हैं, और मैंने तो सुबह से नहीं सुनी, ना मुझे भी मालूम ना किस से बात की है, लेकिन जो भी जानकारी मिल रही है उससे लग रहा है कि ऐसा बात जरूर हुई होगी, क्योंकि सभी जो है सम्मानित लोग जो है इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं मुझे लगता है कि दुख की बात का है कि सिर्फ चर्चा हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, कितने दुख की बात है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार, उसको सुप्रीम कोर्ट की जब तक की आदेश नहीं आएगा तब तक वो नैतिकता के पैमाने को का उल्लंघन करती जाएगी। ये कौन सी राजनीति चल रही है, ये कौन सी व्यवस्था चल रही है? नहीं, हमारा दुराचरण जो है उसका फैसला जनता सरकार खुद नहीं कर सकती, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का मुंह देखना पड़ेगा। आज राजनीति के अंदर क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, हम सबको अकल है। हम लोग इतने सालों से जनता के बीच के निकले हुए हैं, जनता की संवेदनशीलता क्या है, जनता के अंदर, देश के अंदर किन बातों की स्वीकृति है, किन बातों की खिलाफत है, हम सब जानते हैं। हम सबको पता है कि भ्रष्टाचार के मामले में जब जांचें हो रही होती हैं, हाँ, उसके अंदर अड़चने नहीं करनी चाहिए। मैं राज साहब से जवाब, ऐसे में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का मुंह देखेंगे? अब राज साहब, आप लोग सुप्रीम कोर्ट का मुंह देख रहे हैं, सुधांशु मित्तल बीजेपी नेता बोल रहे हैं। सम्माननीय सुधांशु जी ने अभी जो बात कही है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, नैतिकता की बात जो बहुत अच्छी है और मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो है नैतिकता जो है वो सबके लिए समान होनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में। अगर उत्तरांचल के अंदर निशंक जी के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लगता है या यद्यप्पा जी पे प्रश्न चिन्ह लगता है, तो पार्टी या यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ केंद्रीय जो संगठन के जो लोग हैं वो उनको पूरी तरह से अपना संरक्षण देने की कोशिश करते हैं। दोनों को हटा दिया गया था, उसके लिए किसी को कर रहे थे वो सही है। मैं उसका तो खामियाजा लिया उन्होंने कर्नाटक में। राज साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए उन्होंने को गलत किया है तो हम भी गलत करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप वक्त को अगर ये बात सामने आई है, इस पर बाकायदा जो है गंभीरता से सरकार जो है विचार करेगी, क्योंकि किसी भी तरह की सम्मानित कोर्ट ने अगर कोई भी टिप्पणी की है उस टिप्पणी को गंभीरता से लेकर और आने वाले वक्त में किसी भी तरह से जांच प्रभावित ना हो, और तमाम वो व्यक्ति जिनके ऊपर अगर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगता है तो सरकार और पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पर अपना जरूर विचार करेगी और कर रही होगी। आपको लग रहा है कि अब ये मामला टल गया, एक और मौका मिल गया है कांग्रेस को, सरकार को, इस मामले को खींचने का जब तक अगली सुनवाई होती है? हाँ जी, लेकिन एक दो बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद लिफाफा में अपना रिपोर्ट मेरे सामने रखो, इसका मतलब क्या है?
प्रधानमंत्री का दफ्तर वाले देखते हैं, कानून मंत्री देखते हैं, अटॉर्नी जनरल देखते हैं. दिस इज द हाइट ऑफ इरेस्पॉन्सिबिलिटी. और मेरे ख्याल में पिछले 60 साल में ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि दिस काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट. ये इफ़ यू डू नॉट टेक एक्शन ऑन दिस, योर होल सिस्टम इज गोइंग टू कोलैप्स. ये बहुत सीरियस मामला है. एंड कानून मंत्री, द अदर पॉइंट इज द अटॉर्नी जनरल हैज लाइड इन द कोर्ट. It is highly irresponsible. How is he still continuing in office? It's a matter of shame. दुर्भाग्यवाली है, दुर्भाग्य दुर्भाग्य ये है कि आज की तारीख में इतने बड़े मुद्दे के ऊपर डाइल्यूशन जो आ रहा है वो एक डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट का आ रहा है. डाइल्यूशन आ रहा है. मैं इसको दुर्भाग्य ही मानूंगा. अगर मतलब क्या नियति है, आप देखिए कि एक ही दिन इस तरीके के दो नतीजे आते हैं जिसमें जिस जो भारत के देश के भविष्य के साथ में इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको डाइल्यूट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वर्डिक्ट हमारे पास में आ रहा है जिसको जस्टिफाई करने के लिए जो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके पास में भी आज की तारीख में शब्द नहीं है. जस्टिफाई करने से मतलब यह है कि उन्होंने गलत किया सही किया. ये मेरे ख्याल से सुधांशु जी इसका जवाब देना चाहिए. मैं राज बब्बर से पूछ लेती हूँ. राज साहब, आप लोग अभी तक सफाई दे रहे हैं और यशवंत देशमुख ने यह भी कहा कि सफाई के लिए भी शायद शब्द नहीं है. प्रधानमंत्री कार्यालय पर उंगली उठती है तो प्रधानमंत्री पर भी उठती है. मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि कोई सफाई नहीं दी जा रही, बल्कि और इस तरह का कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा फैसला नहीं हुआ है, बल्कि इस देश ने और अब बार बार जो है बहुत ही गंभीर और संवेदना के साथ में फैसले कर रहा है देश के नागरिक और देश के वोटर. मैं सम्मान करना चाहे कि कर्नाटक की जनता ने जो फैसला दिया है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया है. और यकीन मानिए कि यूपीए के अंदर, कांग्रेस के अंदर किसी भी तरह की, माननीय सोनिया गांधी जी ने भी किसी भी तरह का कोई भी पर्दा नहीं किया, किसी के ऊपर कोई भी छुपाने का काम नहीं किया. अगर वाकई अगर कोई गलत होगा तो गलत सामने आएगा. दूध का दूध पानी का पानी होगा. लेकिन अगर ये ऐसी कोई टिप्पणी आई है अभी उस टिप्पणी सीबीआई का दुरुपयोग होता है, इस बार पहले भी सामने आई है, लेकिन इस बार क्या अब सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, क्या इसके बाद हम उम्मीद करें कि स्वायत्तता पर कुछ होगा, सीबीआई की स्वतंत्रता पर कुछ अहम गाइडलाइंस का पालन हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा? इस पर मैं बात करूंगी एक ब्रेक के बाद. क्या कांग्रेस को राहुल ने जिताया? क्या कर्नाटक जाकर मोदी ने गलती की? राहुल जीते या मोदी हारे, देखिए. हलफनामा दायर करना है अटॉर्नी जनरल को 3 जुलाई तक और 10 जुलाई को अगली सुनवाई इस मामले में होगी. और ऐसा लग रहा है कि तब तक शायद कानून मंत्री की कुर्सी बच जाए, क्योंकि इसी का हवाला देकर शायद सरकार उनको पद पर बनाए रखे. सुब्रमण्यम स्वामी जी, पहले भी कई बार ये बात कही गई, आपने भी कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग होता है, लेकिन इस बार बकायदा, मुझे लगता है इसका प्रेसिडेंस नहीं है, बकायदा सबूतों के साथ ये सुप्रीम कोर्ट में सामने आया. अब आपको लगता है कि सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर जो गाइडलाइंस की बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है, कम से कम इस बार कुछ होगा ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, हमारे संविधान में धारा 144 और 142 जो है, 141 और 142 जो है, उसके अनुसार जब सुप्रीम कोर्ट वही जजमेंट देती है तो वो कानून बन जाती है. यदि कल वो जजमेंट देंगे कि सीबीआई को इस तरीके से काम करना चाहिए, तो फिर वो जब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सरकार तो आप करो